जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। स्कूल भवन के चारों ओर गंदे पानी ही पानी, खंडहर में तब्दील हुआ प्राथमिक शाला भवन। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत रहौत के प्राथमिक शाला स्कूल प्रांगण में गंदे पानी भर जाने से बच्चों व शिक्षक शिक्षिकाओं को हो रही है परेशानी। पानी चारों ओर भरा हुआ है, बरसों से बने हुए भवन भी हुआ खंडहर। अधिकारी व उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है। विभागीय अधिकारी मुख्यमंत्री जनदर्शन में किया गया आवेदन निवेदन के बाद भी उच्च अधिकारी मौन। देखने में लगता है कि बच्चों के भविष्य और समस्या के बारे में उच्च अधिकारी को कोई परवाह ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी भवन गिर सकता है। सीजी फर्स्ट न्यूज के पड़ताल से शिक्षा अधिकारी एक्शन में आए। आज पामगढ़ खंड शिक्षा अधिकारी राजेंद्र शुक्ला रहौत नगर पहुंचकर समस्या का जायजा लिया और सभी बच्चों को अंबेडकर भवन में शाला संचालन के लिए निर्देश दिया गया। नया भवन के लिए स्टेटमेंट बनाकर शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा ब्यूरो चीफ गौरव राय सागर की रिपोर्ट। चाहेंगे कि आपके द्वारा भी आपकी शाला में कई बार आवेदन दे चुका है, तो उसके लिए अभी तक कार्यवाही हो रही है, तो उसमें आप क्या करना चाहेंगे? मैं पिंकी रुपेश यादव, शासकीय स्कूल में बार बार आवेदन देने पर भी सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके लिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि कार्रवाई आगे की जाए। आप कहाँ कहाँ आवेदन दिए अभी तक? मैं आवेदन बार बार दी हूँ, नगर पंचायत रहौद, जिला जनपद, जिला दर्शन और बीओ ऑफिस में। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? कुहासा अधिक होने के कारण स्कूल में पानी भर गया था, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए सद्भावना भवन में स्कूल को स्थानांतरित किया गया है, जहां पर सोमवार से नियमित रूप से बच्चों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सर, प्राथमिक शाला राहौल वार्ड क्रमांक 12 में जो भवन है, शाला भवन, वो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण है, जिसका प्रस्ताव बना के नए भवन के लिए हमने शासन को भेजा है। इसके अतिरिक्त हमने व्यवस्था पहले सद्भावना भवन में किया था, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ भी पानी भर गया है और छत से पानी टपक रहा है, इससे बच्चों को कभी भी कोई खतरा हो सकता है। इसको मद्देनज़र रखते हमने अंबेडकर भवन राहौद में, जो मांगलिक भवन है, इसमें शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को। सोमवार से यहीं पर स्कूल नियमित लगेगा, मध्यान्ह भोजन भी यहीं बनेगा। से सीएमओ साहब, नगर पंचायत से भी इसकी अनुमति ले ली गई है और सोमवार से बच्चे यहां पर नियमित अध्ययन अध्यापन कार्य करेंगे। सर, पिछले 6 महीने पहले भी आप ऐसा आपको आश्वासन दिया गया था कि यहां पर भवन बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अभी तो सर इसमें अभी कोई सुधार नहीं आया। सर, मैं ये चौथी बार है इस विद्यालय का निरीक्षण करते हुए। हर महीने, हर 1-1.5 महीने में निरंतर सभी 170 स्कूल प्राइमरी और 76 स्कूल मिडिल स्कूल का मैं निरीक्षण कर चुका हूँ। अधिकांश जगह यही स्थिति बनी हुई है। अब शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और संभवतः ये जल्दी ही शासन इस पर अमल करेगी और नए भवन या अतिरिक्त कक्ष के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान किया जाएगा।